Why Bollywood falls in every aspect: movie, music, acting, story, screenplay and actors. And most important, why people hate Bollywood so much? आए दिन ट्विटर पे बॉयकॉट बॉलीवुड चलता रहता है, लेकिन बॉलीवुड एक चीज में काफी बढ़िया करता है, रीमेक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आइटम सॉन्ग्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई बॉलीवुड इज फॉलिंग एंड हाउ बॉलीवुड हेट्स गोइंग टू अफेक्ट अपकमिंग मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र एंड अदर एक्टर मूवीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा परिचय हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक बस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड को लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से और भी ज्यादा। क्या लोगों को अब अच्छी मूवी बुरी मूवी में फर्क समझ आने लग गया है? तो मेरे हिसाब से मुझे चार पॉइंट लगते हैं। इनमें से एक रीजन हो सकता है बॉलीवुड को हेट करने का, अभी बॉयकॉट करने का। नंबर वन, बॉलीवुड से जो न्यूज और क्लिप्स आई थी वही ड्रग्स वाली, कि बॉलीवुड का सो कॉल्ड एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, पार्टी में ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये एक वजह हो सकता है कि बॉलीवुड को लोग इतना हेट करते हैं, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते हैं कि बॉलीवुड में ये सब गंदगी फैलाई जाए। दूसरा, मैंने पर्सनली खुद ऐसे लोगों को देखा हूँ जो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड को हेट करना शुरू कर दिए थे। शायद उसी टाइम ही ड्रग्स का मामला भी सबके सामने आया था। जब सुशांत सिंह राजपूत चले गए, उस समय से लेकर आज तक ट्विटर पे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होता आ रहा है हर दिन। अगर आप अभी भी चेक करोगे तो मे भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा होगा। मे भी ये भी एक रीजन हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत लोगों के लिए इतना प्यार था, तो इसलिए लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, बॉलीवुड को देखना नहीं पसंद करते हैं। नंबर थ्री, फिर उसी ही टाइम एक नया बवाल उखड़ा था नेपोटिज्म का। बहुत लोग अब एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बच्चों को स्क्रीन पर दिखना पसंद नहीं करते हैं, लाइक आलिया भट्ट, वरुण धवन और अपनी स्ट्रगल क्वीन। और इनमें से कुछ लोग को हेट आज भी मिलता आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे, इन लोगों की मूवी उतनी नहीं चलती, जैसे कि नसरुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और भी जो एक्टर्स अच्छे अच्छे हैं उनकी फिल्म ज्यादा चलती है कंपैरिजन टू इनकी। नंबर फोर, बॉलीवुड ज्यादातर अभी भी वही रीमेक और रिपीटेड कंटेंट लोगों को दे रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है बॉलीवुड को हेट करने का या फिर बॉलीवुड डाउनफॉल होने का। रीमेक मूवीज के एग्जांपल ले लो, ये जर्सी हो गई, बच्चन पांडे हो गई, भूल भुलैया 2 हो गई और अभी आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो गई। ये सब मूवीज ज्यादातर रीमेक साउथ मूवी या फिर हॉलीवुड मूवीज की जाती है और इनका अभी नया ट्रेंड आया है अपनी मूवी को ही अपने रीमेक करने, लाइक भूल भुलैया। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ रीमेक नहीं बनाता है, बॉलीवुड वही रिपीटेड स्टोरी हमें देता आ रहा है। जैसे कि थोड़ा एक्शन दिखा दो जिसे देख के लगेगा नहीं कि ये रियल है, रोमांस ऐसा दिखा दो जिसे देख के यकीन ही नहीं होगा कि ये भी हो सकता है, डायलॉग ऐसे दो जिसे सुन के कानों में से खून निकल जाए या फिर मूड ही खराब हो जाए, म्यूजिक ऐसा दो कि दिल भी बोले क्यों टॉर्चर कर रहा है भाई, स्टोरी ऐसा दिखाओ कि फिल्म से कोई रिलेटिव हो ही ना, और सबसे इम्पोर्टेंट, देशभक्ति के नाम पे आइटम सॉन्ग कंपलसरी है। यही सब तो चलता आ रहा है बॉलीवुड में। अभी जो एक दो दिन पहले फिल्म आई थी ओम, क्या था उसका स्टोरी? बाबासीर, म्यूजिक बाबासीर, देशभक्ति के नाम पे आइटम सॉन्ग दिखा रहे हो, VFX के नाम पे लोगों का चूतिया बनाया जा रहा है, एक्टिंग के नाम पे वही जो हर मूवी में करते आ रहे हो, पता ही नहीं लगेगा कि ये कोई नई फिल्म देख रहे हो या फिर वही पुरानी फिल्म देख रहे हो, एक्टिंग दोनों में सिमिलर ही होगी, खास करके उन एक्टर्स का जो बहुत बड़े हैं, लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान एंड आमिर खान। अक्षय कुमार की आप एक्टिंग देखोगे लगेगा हर फिल्म में एक ही जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको 40 दिन में नई फिल्म निकालनी होती है। सलमान भाई है, और आमिर खान लगता है कि वो अभी भी पीके ही कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देख लो, और भी है मगर अगर इनके बारे में बोलूंगा तो इनके फैंस आएंगे और मेरे को व्यूज दिलाएंगे। जब लॉकडाउन आया था उस टाइम बहुत लोग OTT का सहारा ले रहे थे, क्योंकि थिएटर से पिक्चर रिलीज हो नहीं रही थी, तो उस टाइम OTT पर ही बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर रिलीज हो रही थी और लोगों को वो देखना ज्यादा पसंद आ रहा था कंपैरिजन टू जब लॉकडाउन हटा और थिएटर से मूवी रिलीज हुई। और ये भी एक रीजन हो सकता है बॉलीवुड डाउनफॉल का कि OTT का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही वो 15 दिन, 20 दिन, एक महीना बाद आपको OTT, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और अदर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जा रही है। तो लोग इतनी दूर चल के 200-300-400 रुपए खर्च करके वो फिल्म क्यों देखने जाएं जो फिल्म उतना वर्थित भी नहीं है और एक महीने बाद OTT पर भी रिलीज हो जाएगा। तो वही पैसा OTT पे डाल कर क्यों ना अनलिमिटेड ऑप्शंस का मजा लिया जाए। तो ये भी एक रीजन, मेरे ख्याल से एक बड़ी रीजन लगती है। दो तीन दिन पहले मैंने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि फिल्म देखने चल, तो बोला कि एक दो महीने में तो OTT पे आ ही जाएगा, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है ही, तो क्यों मैं थिएटर में जाऊँ, फिल्म का पैसा खर्च करूँ, जाने आने का, अंदर कुछ खाने पीने का लगभग 1000 रुपये खर्च हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड रीमेक, रिपीटेड कंटेंट और टट्टी पिक्चर बनाता है,
कुछ पिक्चर ऐसे भी आते हैं लोगों को दिल में इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। लेटेस्ट मुझे सबसे अच्छा फिल्म लगा था अटैक। अटैक में आपको सुपर सोल्जर्स का पावर दिखाया गया। कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया था, इंडिया में पहली बार बनाया गया। बजट ना था नहीं, 60 करोड़ थे बजट, तो उस बजट में काफी बढ़िया पिक्चर डिलीवर किया गया। लेकिन ट्रेलर पे काफी अच्छा व्यूज है, पिक्चर 3 करोड़ ही कमाई। तो इस टाइप की मूवी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे क्या होगा। फिर रिलीज हुई जेंट्स फाइव जोरदार, थिएटर में बहुत कम लोग थे। पिक्चर काफी बढ़िया है, इस पिक्चर को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर किस टाइप की पिक्चर सपोर्ट करोगे। फिर बॉलीवुड का डाउनफॉल होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर तुम बोलोगे भूल भुलैया 2 जैसी पिक्चर कैसे चल गई। वो एक टाइम पास मसाला मूवी है जो लोगों का मूड फ्रेशनर के तौर पर काम करती है। मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है कि लोगों को अब उतना सीरियस पिक्चर, एक्शन ड्रामा ये सब देखने का मन नहीं हो। लोग अब चाहते हैं कि मैं थिएटर में जाऊं, पैसे खर्च करूं, मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, फैमिली फ्रेंडली हो, मसाला मूवी हो, कॉमेडी हो। मेरा ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को कुछ मसाला मूवीज बनानी चाहिए, लाइक RRR जो इंडिया में काफ़ी अच्छी चली और बाहर भी अच्छा कमाल कर रही है, KGF और लाइक भूल भुलैया 2, ये सब मसाला मूवी है, पब्लिक को थिएटर में आने के लिए मजबूर कर देती है। ब्रह्मास्त्र एक पहला स्टेप हो सकता है सुपर हीरो मूवीज को दोबारा इंडिया में लाने का। अगर ब्रह्मास्त्र चली तो लोग आगे भी ट्राई करेंगे सुपर हीरो मूवीज बनाने की इंडिया में। नए नए डायरेक्टर सामने आएंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर ट्राई करेंगे इसमें। अगर फेल हुई तो फिर 5 साल के लिए तो भूल ही जाओ इंडिया में कोई सुपर हीरो मूवी बनाने वाला है। एट द एंड लोगों को भी पैसा कमानी है, फिर वही हीरोपंती टाइप कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं तो इतना बोलूंगा, ट्रेलर देखो, ट्रेलर अच्छा लगा तो पिक्चर को सपोर्ट करो, क्या पता पिक्चर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्जी। हॉलीवुड तो इंडिया में ग्रो कर ही रहा है और साउथ मूवीज अपने कंटेंट चेंज करके इंडिया में और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है, जो कि बॉलीवुड इतना ज़्यादा बड़ा है वो डाउनफॉल ही हो रहा है। ये वीडियो मैंने आज से 5 महीने पहले बनाया था और इसमें मैंने जितने भी बात बोली है वो आज भी लागू होती है। बॉलीवुड को सही में बहुत ज़रूरत है अपने कॉन्टेंट को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी जितना थिएटर में हालत है बॉलीवुड का उतना किसी का भी नहीं है। साउथ काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहा है, हॉलीवुड तो बवाल ही मचाया हुआ है। अब जितने भी बॉलीवुड मूवीज आ रहे हैं वो थिएटर में काफ़ी भयानक तरीके से पिट रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बॉलीवुड का फ्यूचर क्या रहता है। इस चीज़ को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या राय विचार है कि बॉलीवुड कभी अपना कंटेंट चेंज कर पाएगा या नहीं, कमेंट बताना मत भूलना। अगर तुम यहाँ तक देखे हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक बस्ट।